हम लोग पैसे के लिए ला रहे थे जीवा को कोर्ट में, पहुंचे ही थे कि अचानक गोली चलने लगी। वकील की ड्रेस में थे वो, गोली मारा है क्योंकि हम आगे थे तो एक गोली हमको भी हमारे पैर में लगी है। कम छो मजामा भाई लोग, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का संवेदनशील और सुरक्षित माना जाने वाला इलाका कोर्ट परिसर बुधवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कोर्ट के भीतर गोलियां चली और मुख्तार अंसारी का करीबी गैंगस्टर संजीव जीवा मौत की नींद सो गया। इस हत्याकांड ने एक बार फिर यूपी पुलिस के सुरक्षा घेरे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इन तमाम सवालों और राजनीतिक विवादों के बीच एक ऐसी सूचना सामने आई है जो दहला देने वाली है। संजीव जीवा की हत्या की प्लानिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि इसमें दावा किया जा रहा है कि हर हाल में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या होनी थी। इसके लिए रावस प्लानिंग बनाई गई थी। पहले से ही तय कर लिया गया था कि लखनऊ कोर्ट पेशी पर आया संजीव जीवा किसी भी हाल में जेल वापिस नहीं जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के लिए बड़ा चक्रव्यूह रचा गया। इससे बाहर निकलने में गैंगस्टर संजीव जीवा कामयाब नहीं हो पाया। कोर्ट के कमरे में उसकी हत्या वकील का वेश धारण कर आए विजय यादव ने कर दी। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि इस बुरी साजिश को किसने तैयार किया। इसे अंजाम देने के लिए विजय यादव नाम के हथियार को तैयार करने वाला कौन है? क्या आपको पता है इस गैंगस्टर को हमेशा हमेशा मौत की नींद सुलाने के लिए दो तरह की प्लानिंग रची गई थी। प्लान ए का मुख्य किरदार विजय यादव था। उसको लेकर तय किया गया था कि वह वकील का वेश धारण कर अदालत में घुसेगा, संजीव जीवा पर मौका मिलते ही धावा बोलेगा और उसे ठोक डालेगा। इस दौरान उसे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का हुक्म दिया गया था। उसने पूरी प्लानिंग के तहत दिए गए टास्क को परफेक्ट तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि उसकी गोलीबारी के दायरे में एक छोटी बच्ची भी आ गई। उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की सुबह इस बच्ची की मुलाकात ली, उसके अभिभावकों का हौसला बढ़ाया और हर प्रकार के इलाज की बात कही है। हालांकि विजय यादव वाली प्लानिंग के साथ साथ जीवा की हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार था। सूत्रों की माने तो कोर्ट परिसर में विजय यादव के अलावा तीन और शूटर मौजूद थे। तय यह हुआ था कि अगर विजय यादव किसी प्रकार से साजिश को अंजाम देने में विफल होता है तो ये तीनों शूटर सामने आ सकते थे। उनके लिए पहले से ही कोर्ट परिसर में हथियार छिपा कर रख दिए गए थे। इसकी जानकारी शूटरों को थी। हत्याकांड के दौरान तीन अन्य शूटरों ने विजय यादव की हर गतिविधि पर नजर रखने और हत्याकांड की सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद वहां से निकलने का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो कोर्ट परिसर में विजय यादव का साथ देने के लिए शूटर मौजूद थे। इसके बारे में विजय यादव को बताया गया था या नहीं, इसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि अगर विजय यादव जीवा पर हमले के दौरान निशाना चूकता तो ये तीनों शूटर सामने आकर गोलियां बरसा सकते थे। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर कोर्ट परिसर की स्थिति और भयानक हो सकती थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। वकील के लिबास में आए विजय यादव ने ही गैंगस्टर जीवा को गोलियों से भून डाला। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि संजीव जीवा जब कोर्ट परिसर में एंटर हो रहा था उसी दौरान शूटर पीछे से फायरिंग करता है। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी और एक बच्ची घायल होते हैं। क्या आपको पता है मारा गया गैंगस्टर संजीव जीवा भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और तत्कालीन राज्य मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में शामिल था। इसके अलावा उस पर हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी, लूट, किडनैपिंग के 24 मामले दर्ज थे। इधर पुलिस ने कहा कि विजय यादव ने संजीव जीवा के कोर्ट परिसर में आने के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली थी। कोर्ट परिसर की रेंकी की, इसके लिए उसने कई बार स्थान का मुआयना किया और उसे अंजाम देने से पहले विजय यादव ने कोर्ट परिसर के कई चक्कर लगाए। शूटर विजय यादव पिछले 2 महीने से लखनऊ में एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। उसका मोबाइल बंद था। विजय यादव को वर्ष 2016 में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के आरोप में जेल भेज दिया गया था। उसकी गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट के तहत की गई थी। अब सुनो मामा, मारे गए गैंगस्टर संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इसमें पता चला है कि जीवा को 6 गोली मारी गई। इनमें 4 गोलियां उसके सीने में लगी, बाकी 2 गोलियां उसके सीने से नीचे लगी। क्या आपको पता है संजीव जीवा को जिस गन से शूट किया गया उसका नाम है मैग्नम अल्बा।
क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो चुका है। वहीं इस हत्याकांड के बाद लखनऊ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। घटना की एक सप्ताह में जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है। SIT टीम गठित कर दी गई है। वहीं बुधवार की देर रात SIT ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट आने वाले अंतु को कर्मचारी और साथ साथ वकीलों की चेकिंग भी की जा रही है। अरे मामा, इस हत्याकांड के बाद इस्तेमाल हुई रिवॉल्वर मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। ये अमेरिका के सबसे प्रचलित रिवॉल्वर में से एक 357 मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर 19वीं सदी में US सेना की डिमांड पर इसे रिवॉल्वर को डिजाइन किया गया था। हालांकि इसकी खूबियों में आम लोगों की भी खास आकर्षित किया, इसकी खूब खरीदारी हुई। इसे एक समय अमेरिका के बेस्ट हैंडगन में से एक माना जाता है। 357 मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर ने अपनी खूबियों के चलते खूब प्रसिद्धि हासिल की। पहले मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर में लोडिंग गेट के माध्यम से एक बुलेट को लोड किया जाता था। आधुनिक मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर में एक साथ 6 बुलेट को लोड किया जाता है। मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर की खासियत इसको चलाने की आसानी की है। स्मिथ एंड वेंसन और विंचेस्टर की ओर से बनाई गई इस रिवॉल्वर से कोई अनट्रेंड व्यक्ति भी आसानी से निशाना सटीक लगा सकता है। बड़ी आसानी से इसे लोड किया जा सकता है। सिंगल एक्शन रिवॉल्वर में 357 मैग्नम कार्टेज का इस्तेमाल होता है। इसकी एक बड़ी खासियत इसे लोड करने में कभी जाम नहीं होने की है। इस रिवॉल्वर का आकार काफी छोटा होने के कारण उसे छुपाना आसान होता है। विदेश में शिकारियों की पहली पसंद यह रिवॉल्वर होती है। अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर का निर्माण चेक गणराज्य में किया जाता है। वजन में बेहद हल्की इस रिवॉल्वर की कीमत 5 से 6 लाख रुपये है। इसकी एक गोली की कीमत 1.5 से 2 हजार रुपये आती है। खैर, कोर्ट परिसर में एक से अधिक शूटर्स के मौजूद होने का अंदेशा इस बात से लगाया जाता है कि वहां 6 से अधिक गोलियां चली है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एक दावा यहां भी किया जा रहा है कि संजीव जीवा की बॉडी में 16 छेद थे, यानी उसे 6 से अधिक गोलियां मारी गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से 4 गोली सीने में और 2 गोली नीचे लगने की बात सामने आई है। फिर 16 छेद वाली बात क्या अफवाह है, इस संबंध में डॉक्टर की ओर से खुलासा होना बाकी है। संजीव जीवा जो मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ था, दोनों ने मिलकर पूर्वांचल में खूब वारदातें करी। भले ही अभी संजीव जीवा हत्याकांड की जांच हो रही हो, मगर मौके से संजीव जीवा के हत्यारे विजय यादव के हाव भाव और उससे हुई प्राथमिक पूछताछ से कुछ कुछ नजर आता है कि यह सीधे सीधे कत्ल का नहीं बल्कि गैंगवॉर का मामला है। अब सवाल है कि अगर गैंगवॉर है तो फिर ऐसा कौन सा गैंग है जो मुख्तार अंसारी और जीवा से सीधा टकरा सकता है। अब सुनो मामा, UPSTF के सूत्रों की माने तो पूर्वांचल में ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और उसके साथ ऐसे कई गैंग्स है जिसकी आंखों में मुख्तार अंसारी से ज्यादा संजीव जीवा खटकता था। ऐसे में संभावना है कि विजय यादव के पीछे संजीव जीवा के कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और हो। अगर ऐसा है तो फिर वही सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से अधिक और अशरफ हत्याकांड में शामिल शूटरों के पीछे कौन था 15 अप्रैल 2023 से लेकर अब तक पता नहीं चल सका है, तो इसकी क्या गारंटी है कि संजीव जीवा के कत्ल के असली षड्यंत्रकारी भी पुलिस के हाथ आई जाएंगे। ऐसा ना हो कि अतिक अशरफ हत्याकांड की तरह ही संजीव जीवा के कत्ल का बोझ भी सिर्फ और सिर्फ उसे गोलियों से भूनने वाले विजय यादव के कंधों पर ही डालकर छोड़ दिया जाए और षड्यंत्र में शामिल असली दुश्मनों का पता ही ना चल सके। हालांकि दूसरी ओर STF की माने तो जीवा हत्याकांड ने जेल में बंद उम्र कैद के मुजरिम मुख्तार अंसारी को जरूर कमजोर कर दिया होगा। मुख्तार अंसारी एंड गुंडा कंपनी को इस बात का हम हमेशा था कि उसके गैंग में संजीव जीवा जैसा दिलेर और विश्वासपात्र गैंगस्टर है जो मुख्तार के एक इशारे पर अगर गाजीपुर में AK-47 जैसे हथियार से गोलियां चौक कर कृष्णानंद राय जैसे सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दे सकता है, जो संजीव जीवा मुख्तार के इशारे पर फरुखाबाद के दबंग भाजपा नेता और UP के पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी को गोलियों से छल्ली कर सकता है, उस संजीव जीवा की दर्दनाक मौत पर भला मुख्तार अंसारी सदमे में क्यों ना हो। क्या आपको पता है जीवा के आपराधिक जीवन की शुरुआत 90 के दशक से होती है। इससे पहले वह शामली के शंकर दवाखाना में कंपाउंडर की नौकरी करता था। मुजफ्फरनगर के रहने वाले जीवा के सिर पर बदमाशी का भूत सवार हुआ तो उसने उस दवाखाना संचालक डॉक्टर को ही अगवा कर लिया। इस घटना के बाद
जीवा के मनसूबों को बल मिलना शुरू हो गया और उसने अगला शिकार यूपी से दूर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक कारोबारी को बनाया और उसके बेटे को अगवा कर 2 करोड़ की फिरौती मांगी। 90 के दशक में 2 करोड़ की फिरौती मांगे जाना काफी बड़े अपराधी द्वारा किया गया कांड माना जाता था। इस घटना के बाद जीवा उत्तराखंड के हरिद्वार जा पहुंचा और नाजिम गैंग में घुस गया, फिर सत्येंद्र बरनाल के साथ जुड़ा, लेकिन उसके अंदर खुद का गैंग बनाने का भूत जवार था। 1997 में भाजपा के कदावर नेता ब्रह्मदत्त की हत्या में उसका नाम सामने आया। इस मामले में कोर्ट ने उसे आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद वह मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हुआ, मुख्तार के लिए काम किया और मुख्तार की छत्रछाया में वह यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया और आज मारा गया। तो भाई लोग, ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।